हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है, वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है, और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद है। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देते न सुनते हों, और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या और कोई क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। कभी भी दिवा स्वप्न मत देखिए, अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया मत कीजिए जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते, सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती, इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित कीजिए कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं।